छोड़ दे मम्मी, के है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन दत्तरवाल ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग शुरू हुआ है हमारी भाभी माँ के साथ और मेरी मम्मी साथ। भाभी माँ की ले मत ना, और मेरी बकवास कुछ भी बना देता है व्लॉग में। बकवास क्या बना रहा हूँ, स्टार्टिंग कुछ भी बना देता है। बोलो हेलो गाइस, कौन बोल दी? कोई नहीं, इतना रिकॉर्ड हो गया वही बहुत है। वीडियो पक्का जाएगी, बोलना हेलो गाइस। इसकी ले लिए, आपके डिसलाइक करने से कुछ नहीं होता, डिसलाइक से कुछ नहीं होता, सीटीआर से होता है, सीटीआर से होता है। ठीक है, मेरा फोन करेगा। सो गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो गया, आगे की प्लानिंग पता नहीं। मम्मी बनाएंगे क्या बनाएंगे मम्मी? मूली के, ये गोभी के परोठे बनाएंगे। चलो फिर परोठे बनाते फटाफट। सो गाइस, आज ब्रेकफास्ट में मेरे को मिला है मूली के पराठे, दही और अचार। सो गाइस, ब्रेकफास्ट तो हो चुका है। ब्रेकफास्ट में बनी थी गोभी के परोठे और दही। अब मैं बैठा हूँ थोड़ी देर बाहर सनबाथ लेने के लिए, डॉक्टर ने कहा है, और यहाँ बैठे बैठे मम्मी की वीडियो भी एडिट कर दूंगा। सो गाइस, अब मैं सनबाथ लेके नहाने चला गया था और नहा के अब मैं हो गया हूँ रेडी। और मम्मी ने धोए हैं गेहूं आज, बाकी अंदर देखते हैं चल के क्या कर रहे हैं वो। सो गाइस, अंदर तो चल रही है सफाई। मम्मी हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया। ये क्या है? ये कपूर, कपूर की गोली। इससे क्या होता है? इससे जो बेड में कोई किसारी को कीटाणु आते हैं, वे कपड़ों को काटने वाले, वे मर जाते हैं। अच्छा, दत्तरवाल साहब हेलो गाइस। ये क्या कर रखा है इसे? छोड़ दे मम्मी, क्या है, क्या डाल रखा है, क्या है ये, क्या कर रहे हैं आप ऐसे? गैस, मम्मी को है ना पूरे दिन वहम लगा रहता है, मतलब इतनी ज्यादा सफाई करना, अंदर भी कपड़ा बिछाया हुआ है, और ये कम से कम सर्दियों में 5 बार साफ कर चुकी। मम्मी है ना पागलों की तरह लगी रहती है, इतना ज्यादा काम करती है। मम्मी को मना कर दिया हमने, फिर भी मम्मी और एक ये दत्तरवाल साहब ये शॉल में बैठे हैं। सर क्यों, ये भी बहुत काम। आज तो पूरा दिन बाहर ही नहीं गए, मम्मी काम कर रहे थे, मेरे को भी काम में लगा लिया। अब हो गए हैं कितने बज गए, शाम के 7 बज गए और बाहर है ठंड, तो बाहर जाने नहीं दे रहे। पर अभी परमिशन लिया, थोड़ी देर बाहर चलते कहीं पे। भैया के पास चलने क्या? हाँ चल भाई, भैया के पास चलते हैं अपन। पर वहां जाने से पहले खाना पीना कर लेते हैं। खाना बना दिया मम्मी ने, रात का डिनर बन ही गया, 7 ही बजे हैं, बट अभी सर्दियां हो गया तो जल्दी डिनर बन जाता है। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है डिनर, रोटी और ये सब्जी। किस चीज की मम्मी? भुजी। किस चीज की भुजी बनाई है? पालक सरसों का साग की। अच्छा, सरसों दे साग दी भुजी। सो डिनर में मिली है मेरे को रोटी और सरसों का साग। सो गाइस, डिनर तो हो चुका है, अब देखते हैं भैया के घर जाएंगे थोड़ी देर में, फिर वहां जाके शूट करेंगे कुछ ना कुछ। भैया शॉपिंग करके आए, नहीं देखते आज क्या क्या लेके आए भैया। सो गाइस, भैया के घर पे तो हम आ गए थे, पर भैया हमें मिले ही नहीं और सामान यहीं पड़ा खुला में। क्या लाए सामान, क्या क्या लेके आए? तो भैया लाए फिलिप्स का ट्रिमर, लाए हैं सॉक्स, लेके आए टॉमी हिलफिगर की, और दो दो चश्मे। क्या लाए, कौन से है? अरे बाहर निकलना भाई, वो दोनों में सेम है क्या? ओह नाइस, रेबन, रेबन के चश्मे और डेनवर का परफ्यूम, और क्या है, और कुछ नहीं है। सो गाइस, दोनों भी आ गए हैं, वो है नरेश भैया और ये है जितेंद्र भैया। इनका नाम है जितेंद्र चहल, और आपका पूरा नाम क्या है? आपका पूरा नाम है भैया? नरेश दैया, सबका भैया, दैया सबका भैया, दैया सबका भैया, भैया सोनीपत से। अब दो दो चश्मे कैसे? सोनीपत से क्या, पानीपत से? हां दो दो चश्मे क्यों भैया? एक मेरा है। नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत है, एक मेरा है। भैया कहते हैं थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है ऐसे, सही बात नहीं भैया? सही बात है भैया। हां भैया कहते हैं कि अलग बदल बदल के चहल साहब, ये मस्त लग रहा है। एक मेरा है, शेड दोनों ही मस्त है। अरे भैया चार ले रहे थे वहां, मसा रोक है, मान ही रहे थे, मुश्किल से रोक के लाया हम पकड़ के। रोज रोज चेंज करेंगे भैया, आज है ना पूरे दिन घर बैठे रहे, बाहर ही नहीं जा पाए। मैं वीडियो पास शूट करूं, मैं भैया पास जाके आते हैं, भैया हम फिर लेके आए, वीडियो आज तेरी वीडियो का ना चलाओ, ठंड हो रही। एक काम करी, शनिवार का दिन है, 11 रुपया प्रसाद ब्रांड दी, वो तेल मांगने आते ना घरों में,
कोई तो आंटी आती है उसमें भैया उधर रहे बिजनेस में शनिवार को शनि महाराज की मूर्ति मंगलवार को हनुमान जी। हाँ ऐसा आजकल ये बिजनेस चल रहा है, ये बाबे बन के घूमते रहते हैं। रुपये इकट्ठे होंगे पौवा जुगाड़ होगा ठेके पोजेंगे अपने ठेके पे चॉइस अपना अपना बिजनेस सही बात है। वो ड्रिंक तो 11 बजे से पहले ही कर लेते हैं। मम्मी भी आ गई और पापा भी आ गए हैं, पापा पीछे हैं। मम्मी ये रही, मम्मी देख रही इनके सामान सारे भैया और क्या। मम्मी ने आके हमें डराने की कोशिश की, वो वाला सीन तो मैंने सूट नहीं किया। यो डाटा लग रहे थोड़े ना, लेकिन यो बस बकवास आते हैं, कुछ नहीं आता। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्हें तकलीफों से डील करना होता है। बकवास नहीं आता। सो गाइस अब भैया के घर जाके हम आ चुके हैं वापस। सो होपफुली आज की वीडियो में आया होगा आपको मजा। अगर वीडियो में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर लाइक करना और कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।